हाँ तो गाइस फास्ट 10 का पेपर व्यू तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मडेराल ट्रॉ की, जहां से हमें क्राउन जूल पेपर व्यू के लिए कई सारी बड़ी चीजें होते हुए दिखने वाली है स्टार्ट। और ऑलरेडी WWE ने कुछ चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल, जिसमें एक चैंपियनशिप मैच भी शामिल है। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मडेराल ट्रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस टीगन नॉक्स के बीच। अब सबको पता है ये मैच हमें लास्ट वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला था, बट WWE ने इसे कर दिया पोस्टपोन और फाइनली ये हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला है। और अब सबको पता है यहाँ चांसेस कम ही है कि बेकी लिंच के पास से जाने वाली है चैंपियनशिप, यानी कि वो हमें हराते हुए दिखने वाली है टीगन नॉक्स को एंड रिटेन करने वाली है अपनी NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक वाइकिंग रूल्स मैच कोफी किंगस्टन वर्सेस आइवर के बीच। तो जैसा कि न्यू डे एंड वाइकिंग राइडर्स के बीच हमें हर वीक कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, इस वीक कोफी किंगस्टन एंड आइवर के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है एक वाइकिंग रूल्स मैच। एंड यस, यहां पर WWE किसी को भी जिता सकती है, ज्यादा चांसेस कोफी किंगस्टन के रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक सिंगल्स मैच नाया जैक्स वर्सेस रैक्विल रोड्रिगेस के बीच। सो ये मैच दो पावर हाउस के बीच होने वाला है, इसलिए देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में क्या कुछ होने वाला है। बट नाया जैक्स अभी आगे चैलेंज करने वाली है रिया रिपली को वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो चांसेस है कि यहां पर उनकी ही जीत होने वाली है। एंड मे भी हो सकता है मैच के बाद या फिर मैच के बीच में हमें रिया रिपली अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखे नाया जैक्स पर। वहीं जैसा कि आप सबको पता है फास्ट 10 के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने हरा दिया शिंस्की नाकामुरा को एंड उन्होंने रिटेन कर ली अपनी वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप। और अब चांसेस कमी है कि नाकामुरा एंड रॉलिंस की फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है, यानी कि सेथ रॉलिंस के सामने कोई न्यू चैलेंजर आने वाला है इस वीक के रॉ में, जो कि उन्हें चैलेंज करेगा क्राउन जूल पेपर व्यू के लिए। और आप सबको पता ही है CM पंक एंड सेथ रॉलिंस रिलेटेड हमें हर वीक कुछ ना कुछ टीज होते हुए दिख रहा है कोरी ग्रेव्स ने। फास्टलेन पेपर व्यू में भी सेथ रॉलिंस के मैच जीतने के बाद ये थिंग कहा, राइडिंग ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बॉल, जो कि CM पंक ने रिसेंटली स्टोरी लगाया था अपने 10 साल पहले की फोटो पर। तो CM पंक WWE में आ रहे ये बात तो लगभग कंफर्म ही है, एंड मे बी वो जाने वाले हैं सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और CM पंक के रिटर्न के चांसेस तो सर्वाइवर सीरीज में, जो कि होने वाला शिकागो में CM पंक के होम टाउन में। बट अगर WWE सभी फैंस को कुछ बड़ा शॉकर देना चाहती है, तो हमें CM पंक का रिटर्न पहले भी देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है इस वीक के रॉ में हो, नेक्स्ट वीक के रॉ में हो, या फिर हो क्राउन जूल के पेपर व्यू में। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार WWE CM पंक का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में ही कराती है या फिर किसी और जगह। वैसे आपके अकॉर्डिंग CM पंक के रिटर्न करने के बाद उनका मैच अगर सेथ रॉलिंस के साथ होता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, देन वहां से एज वर्ल्ड चैंपियन कौन बाहर निकलने वाला है, CM पंक या फिर सेथ रॉलिंस, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और WWE में आने की बात चली रही है तो आप सबको पता है जेट कारगिल, जो कि फॉर्मर AEW सुपरस्टार है, उन्होंने WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन की थी और वो हमें देखने को मिली थी फास्ट लेन पेपर व्यू के बैक स्टेज में, जिन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं SSS। तो गाइस अपडेट के अकॉर्डिंग इस वीक के रॉ में भी आप सबको जेट कारगिल देखने को मिलने वाली है। वो किसी को आकर चैलेंज वगैरह तो नहीं करने वाले, लेकिन वो हमें अटेंडेंस में देखने को मिल सकती है। मे भी हो सकता है रॉ में वो हमें बेकी लिंच का मैच रिंग साइड से देखते हुए दिखे। और फाइनली बात कर ली जाए अपने न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स एंड जे उसो के बारे में। जैसा कि सभी को शॉक करते हुए कोडी रोड्स एंड जे उसो ने हरा दिया जजमेंट डे को और वो बन चुके हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और कोडी रोड्स एंड जे उसो का फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, वो तो मैंने आप सबको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया, आप सब जाकर देख सकते हो। बट हाँ, इस वीक के रॉ में अगेन हमें जजमेंट डे अटैक करने की कोशिश करते हुए दिख सकती है कोडी रोड्स एंड जे उसो पर, एंड अपने रीमैच को मांगते हुए दिख सकती है। और बात रही जजमेंट डे की, तो आप सबको पता ही लास्ट वीक के स्मैकडाउन में जजमेंट डे हमें देखने को मिली थी, जिन्होंने ब्लड लाइन के लॉकर रूम को कब्जा कर लिया था और रिया रिपली वहां की बन चुकी थी ट्राइबल चीफ। और ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे एक साथ काम करने वाली, इस चीज को पहले तो ऑथराइज किया रिया रिपली ने, बट उसके बाद मेन इवेंट में पॉल हेमन ने ये थिंग कहा कि रोमन रेंस ने भी कर दिया है इस चीज के लिए ऑथराइज, यानी कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन अभी करने वाली है एक साथ काम। और जैसा कि आप सबको पता ही है इस वीक के स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस आने वाले, जहां से हमें पूरी तरह से क्लियर होते हुए दिख जाएगा कि क्या जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन एक साथ है या फिर रोमन रेंस इस चीज की परमिशन नहीं देते। और अगर जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन एक साथ काम करती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होगा, हमें सर्वाइवर सीरीज में एक वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा, जहां पर एक साइड पर रहेंगे ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे और उनके अगेंस्ट कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, जे उसो ये टीम। इसलिए अगर ऐसा है तो कोडी रोड्स एंड जे उसो को हमें रोमन रेंस के आमने सामने देखने के लिए ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, ये चीज जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है। और ये भी हो सकता है रॉ में आकर हमें ब्लड लाइन हेल्प करते हुए दिखे जजमेंट डे की। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं।
इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। हाँ तो गाइस, फास्ट लेन का पेपर व्यू तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां से हमें क्राउन जूल पेपर व्यू के लिए कई सारी बड़ी चीजें होते हुए दिखने वाली है स्टार्ट। और ऑलरेडी WWE ने कुछ चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल, जिसमें एक चैंपियनशिप मैच भी शामिल है। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच से स्टीगन नॉक्स के बीच। अब सबको पता है ये मैच हमें लास्ट वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला था, बट WWE ने इसे कर दिया पोस्टपोन और फाइनली ये हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला है। और अब सबको पता है यहाँ चांसेस कम ही है कि बेकी लिंच के पास से जाने वाली है चैंपियनशिप, यानी कि वो हमें हराते हुए दिखने वाली है टीगन नॉक्स को एंड रिटेन करने वाली है अपनी NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक वाइकिंग रूल्स मैच कोफी किंगस्टन वर्सेस आइवर के बीच। तो जैसा कि न्यू डे एंड वाइकिंग राइडर्स के बीच हमें हर वीक कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, इस वीक कोफी किंगस्टन एंड आइवर के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है एक वाइकिंग रूल्स मैच। एंड यस, यहां पर WWE किसी को भी जिता सकती है, ज्यादा चांसेस कोफी किंगस्टन के रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक सिंगल्स मैच नाया जैक्स वर्सेस रैक्विल रोड्रिगेस के बीच। सो ये मैच दो पावर हाउस के बीच होने वाला है, इसलिए देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में क्या कुछ होने वाला है। बट नाया जैक्स अभी आगे चैलेंज करने वाली है रिया रिपली को वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तो चांसेस है कि यहां पर उनकी ही जीत होने वाली है। एंड मे बी हो सकता है मैच के बाद या फिर मैच के बीच में हमें रिया रिपली अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखे नाया जैक्स पर। वहीं जैसा कि आप सबको पता है, फास्ट लेन के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने हरा दिया शिंस्के नाकामुरा को एंड उन्होंने रिटेन कर ली अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अब चांसेस कमी है कि नाकामुरा एंड रॉलिंस की फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है, यानी कि सेथ रॉलिंस के सामने कोई न्यू चैलेंजर आने वाला है इस वीक के रॉ में, जो कि उन्हें चैलेंज करेगा क्राउन जूल पेपर व्यू के लिए। और आप सबको पता ही है CM पंक एंड सेथ रॉलिंस से रिलेटेड हमें हर वीक कुछ ना कुछ टीज होते हुए दिख रहा है कोरी ग्रेव्स ने। फास्ट लेन पेपर व्यू में भी सेथ रॉलिंस के मैच जीतने के बाद ये थिंग कहा, राइडिंग ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बॉल, जो कि CM पंक ने रिसेंटली स्टोरी लगाया था अपने 10 साल पहले की फोटो पर। तो CM पंक WWE में आ रहे ये बात तो लगभग कंफर्म ही है, एंड मे बी वो जाने वाले हैं सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और CM पंक के रिटर्न के चांसेस तो सर्वाइवर सीरीज में, जो कि होने वाला शिकागो में CM पंक के होम टाउन में। बट अगर WWE सभी फैंस को कुछ बड़ा शॉकर देना चाहती है, तो हमें CM पंक का रिटर्न पहले भी देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है इस वीक के रॉ में हो, नेक्स्ट वीक के रॉ में हो, या फिर हो क्राउन जूल के पेपर व्यू में। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार WWE CM पंक का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में ही कराती है या फिर किसी और जगह। वैसे आपके अकॉर्डिंग CM पंक के रिटर्न करने के बाद उनका मैच अगर सेथ रॉलिंस के साथ होता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, देन वहां से एज वर्ल्ड चैंपियन कौन बाहर निकलने वाला है, CM पंक या फिर सेथ रॉलिंस, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और WWE में आने की बात चली रही है, तो आप सबको पता है जेट कारगिल, जो कि फॉर्मर AEW सुपरस्टार है, उन्होंने WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन की थी और वो हमें देखने को मिली थी फास्ट लेन पेपर व्यू के बैक स्टेज में, जिन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं SSS। तो गाइस, अपडेट के अकॉर्डिंग इस वीक के रॉ में भी आप सबको जेट कारगिल देखने को मिलने वाली है। वो किसी को आकर चैलेंज वगैरह तो नहीं करने वाले, लेकिन वो हमें अटेंडेंस में देखने को मिल सकती है। मे बी हो सकता है रॉ में वो हमें बेकी लिंच का मैच रिंग साइड से देखते हुए दिखे। और फाइनली बात कर ली जाए अपने न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स एंड जे उसो के बारे में। जैसा कि सभी को शॉक करते हुए कोडी रोड्स एंड जे उसो ने हरा दिया जजमेंट डे को और वो बन चुके हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और कोडी रोड्स एंड जे उसो का फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, वो तो मैंने आप सबको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया, आप सब जाकर देख सकते हो। बट हाँ, इस वीक के रॉ में अगेन हमें जजमेंट डे अटैक करने की कोशिश करते हुए दिख सकती है कोडी रोड्स एंड जे उसो पर, एंड अपने रीमैच को मांगते हुए दिख सकती है। और बात रही जजमेंट डे की, तो आप सबको पता ही, लास्ट वीक के स्मैकडाउन में जजमेंट डे हमें देखने को मिली थी, जिन्होंने ब्लड लाइन के लॉकर रूम को कब्जा कर लिया था और रिया रिपली वहां की बन चुकी थी ट्राइबल चीफ। और ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे एक साथ काम करने वाली, इस चीज को पहले तो ऑथराइज किया रिया रिपली ने, बट उसके बाद मेन इवेंट में पॉल हेमन ने ये थिंग कहा कि रोमन रेंस ने भी कर दिया है इस चीज के लिए ऑथराइज, यानी कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन अभी करने वाली है एक साथ काम। और जैसा कि आप सबको पता ही है, इस वीक के स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस आने वाले, जहां से हमें पूरी तरह से क्लियर होते हुए दिख जाएगा कि क्या जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन एक साथ है या फिर रोमन रेंस इस चीज की परमिशन नहीं देते। और अगर जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन एक साथ काम करती है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होगा,
हमें सर्वाइवर सीरीज में एक वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा, जहां पर एक साइड पर रहेंगे ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे और उनके अगेंस्ट कोडी रोड्स, सैमी जेन, केविन ओवेंस, जे उसो ये टीम। इसलिए अगर ऐसा है तो कोडी रोड्स एंड जे उसो को हमें रोमन रेंस के आमने सामने देखने के लिए ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, ये चीज जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है। और ये भी हो सकता है रॉ में आकर हमें ब्लड लाइन हेल्प करते हुए दिखे जजमेंट डे की। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि क्या अब ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।